नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फिटकरी के 12 चमत्कारी उपयोग। आइए जानते हैं इसके बारे में। फिटकरी को हम सब जानते हैं, ये एक खनिज है जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इंग्लिश में इसे एलम कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। ये सफेद और लाल दो रंगों में पाया जाता है। आज मैं आपको फिटकरी के चमत्कारी उपयोग बताने वाली हूँ, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, शरीर से बदबू आने की समस्या से फिटकरी निजात दिलाती है। नहाते समय पानी में फिटकरी को घोलकर नहाने से बदबू पैदा होने वाले कीटाणु मर जाते हैं और तन की दुर्गंध दूर हो जाती है। नंबर 2, फिटकरी का पानी चोट, खरोच या घाव पर डालने से खून बहना बंद हो जाता है और फिटकरी एंटीसेप्टिक का काम भी करती है। आप फिटकरी को पीस कर भी चोट पर लगा सकते हैं। नंबर 3, अगर दांतों में दर्द हो रहा हो तो थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ी सी काली मिर्च पीस कर दांतों की जड़ों में मसले, इससे दर्द में राहत मिलेगी। नंबर 4, सेविंग करने के बाद चेहरे पर कहीं कट लग गया हो तो चेहरे पर फिटकरी लगाइए, इससे घाव तो ठीक होते ही है, चेहरा मुलायम हो जाता है और झुर्रियां भी कम हो जाती है। इससे पिंपल्स आदि की समस्या भी दूर हो जाती है। नंबर 5, सूखी खांसी या कफ वाली खांसी को भी फिटकरी दूर कर देती है। फिटकरी को पीस कर तवे पर भून लीजिए, फिर जितनी मात्रा में फिटकरी आपने ली है उसकी 2 गुनी मात्रा में पीसी हुई मिश्री इसमें मिला लें। सुबह शाम आधा चम्मच इस मिश्रण का सेवन करें, कुछ ही दिनों में खांसी दूर हो जाएगी। नंबर 6, अगर सर में जुए हो गई हो तो 1 लीटर पानी में 10 ग्राम फिटकरी डालकर घोलिए और फिर इसे सर धो लीजिए। कुछ दिन ऐसा करने से ही सर की जुएं मर जाएंगी। नंबर 7, आधा ग्राम पीसी हुई फिटकरी को आधा चम्मच शहद में मिलाकर चाटने से दमा और खांसी में बहुत लाभ मिलता है। नंबर 8, फिटकरी को गर्म पानी में घोलकर दिन में 2 बार कुल्ला करें, इससे दांतों में होने वाले कीड़े, मुंह की बदबू तथा मसूड़ों से खून आने जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। नंबर 9, नकसीर यानी नाक से खून आने पर पानी में फिटकरी को घोलकर गाढ़ा घोल बना लें, फिर इस घोल की कुछ बूंदे नाक में डालें या रुई को इस घोल में भिगाकर नाक में रख लें, इससे नकसीर बंद हो जाएगी। नंबर 10, हाथ पैरों में सूजन आने पर गर्म पानी में फिटकरी घोलकर दिन में 2-3 बार हाथ पैरों को धो लें, इससे सूजन कम होती है और जलन भी दूर होती है। नंबर 11, गले में टॉन्सिल्स के इलाज के लिए गर्म पानी में चुटकी भर नमक और चुटकी भर फिटकरी डालकर गरारे कीजिए। नंबर 12, होठों के ऊपर या गालों पर अनचाहे बालों को हटाने में भी फिटकरी का उपयोग किया जा सकता है। वैक्स या थ्रेडिंग करवाने के बाद फिटकरी के पानी से अनचाहे बालों वाले जगह कुछ देर मसाज कीजिए। अगर आप 1 से 2 महीने ऐसा करते हैं तो इससे बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।